हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज बहुत जल्दी मैं हूँ पूजा, बस अभी ख़त्म हुआ है और पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया बच्चों के हाथ में मोबाइल, बट वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो मेमोरी है ना थोड़ा सा मतलब भर गया है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा जितना भी मैंने शूट किया है ना आपके साथ शेयर करती हूँ और कोशिश करूँगी कुछ कुछ ना मेरे दूसरे वीडियोज़ में है तो मैं कोशिश करूँगी उसे आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और जल्द से देखो अब मैं आज का ब्लॉग कैसा लग रहा बताइए। बीच बीच में आप लोगों को हमारी बहुत सारी पिक्चर्स मिलती रहेंगी गाइस, और अब देखो जल्दी से। सो गाइस, यहाँ पे पीछे में मेरी सासू माँ खड़ी हैं और वो जो ग्रीन कलर से जो फल दे रही है ना, ये मेरी गोतनी है, बड़ी सिस्टर इन लॉ है। और उस साइड में भी मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी ननद है, वो ग्रीन साड़ी में जो है मेरी छोटी ननद है। और ये मेरी मंझली गोतनी है, मेरी एक और गोतनी है वो बड़ी वाली, तो वो यहाँ नहीं रहती है तो वो यहाँ पूजा करने नहीं आई। और मेरा ये सेकेंड बार पूजा है, सो मैं तैयार होकर यहाँ पे बस आ गई हूँ। जो मैंने मेकअप किया था ना सेम वही मेकअप है, मैंने आईलैशेस भी लगाया है मैग्नेटिक वाला ही। और यहाँ पे बच्चों को मैंने दिया था रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि पतिदेव को ख़राब लग रहा था लेडीज़ के बीच में, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर दिए। तो मेरा भतीजा भतीजी जो लोग हैं वो दीदी का बेटा बेटी, तो उन्होंने ही रिकॉर्ड किया है तो सारा रिकॉर्ड हो नहीं पाया। एक्चुअली उन्होंने वो थोड़ा सा मेमोरी फुल दे रहा था तो वो लोग डिलीट करके नहीं कर पाए, और फिर मैं पूजा में बिज़ी थी तो मैं बीच से कैसे निकल सकती थी। तो बस, और ये मैंने ना अपनी शादी वाली चुनरी पहनी है क्योंकि पूरा इसमें दुल्हन जैसा तैयार होते हैं, तो मेरे मांगटीका नथिया सब वही डाला है। और ये साड़ी भी मैंने, इसका रिव्यू मैंने किया है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे रेड येलो साड़ी को, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये साड़ी पहनने में। आपको मैं कैसी लग रही थी मुझे कमेंट डाउन करिएगा। और देखिए यहाँ पर पहले हम कपड़ा पर बांध रहे हैं पूजा जो फल वल चढ़ाने के बाद, सारा फल चढ़ाए हैं। आप लोग ये करते हैं कि नहीं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और इस तरह से हम सबको हाथ से डायरेक्ट छू ली ताकि वो, और ये पेड़ ना सबसे पहली बात ही हमारे घर के अंदर है बर का पेड़, तो हमें सबसे मतलब अच्छा रहा ना लॉकडाउन में हम कहीं जाना नहीं पड़ा। पिछले साल भी हमने यहीं पे किया था, आप देख सकते हो धागा बंधा हुआ। इस बार धागा वाला वीडियो शूट नहीं हो पाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट मैं क्या करूँ, मैं सोची कि अब जितना भी हुआ है ना मतलब मेरे पास रिकॉर्ड में वो कर दूँ। ये जो देख रहे हैं ना रिशु, यही रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत प्यारी है, मुझे मेरा सारा काम कर देती है, बहुत प्यारी बाबू है, तो मैं कभी इससे मिलवाऊंगी आप लोगों को। और इस तरीके से आज मैंने ना सीधा आँचल का साड़ी पहना, जब कोई फेस्टिवल रहता है ना तो मैं अपनी सासू माँ के जैसे सीधा आँचल का साड़ी पहनती हूँ, माँ ने भी पहना है सीधा आँचल का। और अब यहाँ माँ फल चढ़ा रही हैं, मैंने चढ़ा लिया था और कुछ कुछ मैं भी बीच बीच में फल वल चढ़ा रही हूँ। यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी शादी वाला चूड़ा भी पहना है। और मैंने क्या किया, मेकअप तो सुबह में इतना जल्दी में मैंने किया है ना, बस मेरे हाथ भी कांप रहे थे सुबह में मेकअप कर रही थी। आई थिंक मैं 4 बजे में, 4:15 में मैं उठ गई थी और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी मेकअप की, फिर पतिदेव से मैं सो रहे थे, मैं बहुत खुश हूँ कि उसे सो रहे हो, मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर लूँ, हाथ कांप रहे थे बिल्कुल, मुझे लगा लाइनर लगेगा कि नहीं, बट मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिया एंड मेकअप भी मैंने अच्छे से कर लिया। जो मैंने मेकअप बताया था सेम वही मेकअप था, बस कट क्रीज नहीं किया था क्योंकि वो सुबह सुबह करती ना तो वो मेरा बिल्कुल ये हो जाता, हेयर स्टाइल भी मैंने सेम किया था आप देख सकते हो। और इस तरह से हम अभी पानी चढ़ाए हैं, फिर हम यह फल चढ़ाते हैं, यहाँ बर का जो पेड़ है ना उसमें हम पूरा टीका वगैरह लगाते हैं, आरती करते हैं, लास्ट में पंडित जी से हम यहाँ पे कथा सुनते हैं, इसका वट सावित्री का आप देख रहे हो ना। इस तरह से साइड में एक आंटी है तो वो भी मतलब अब लास्ट में बर के पेड़ को हम लोग मतलब गले से लगाते हैं ताकि हमारे जो बर होते हैं ना उनसे। तो अब दीदी ने मुझे सिंदूर लगाने के लिए दिया तो मैं भी अब यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ बर पेड़ में। मुझे साड़ी में इतना प्रॉब्लम हो रही थी ना, मैं जल्दी साड़ी नहीं पहनती, बस ओकेजनली पहनती हूँ ज़्यादातर, वैसे मैं सूट ही पहनती हूँ ज़्यादा, बट ओकेजनली मुझे साड़ी ही पसंद है पहनना क्योंकि अब साड़ी इतने सारे हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो मुझे यूज़ करना है। पतिदेव बोलते साड़ी क्यों इतनी सारी खरीदती जब तुम्हें पहनना ही नहीं रहता है, तो मैं बोली पहनना तो रहता है बट कब कहाँ पहनूँ, ऐसा लॉकडाउन हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं हो पाता है। और मेरे घर के पास इतना हरियाली है ना, हरा हरा, मैं कुछ पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लास्ट में, आप देखना, मैं अपने घर के पास से लिया था। अब मैं आपको कभी अपना घर पूरा दिखाऊँगी कि कितना मतलब हरा हरियाली है, मतलब ऑक्सीजन की हमें कोई कमी नहीं है, हमारे पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। और आज मैंने कहा पतिदेव को आपको आना पड़ेगा चाहे जो हो जाए, और आंटी ने मुझे ना गिफ्ट दिया था आप देख सकते हो, ये हमारी लैंडलॉर्ड है, उन्होंने मुझे चांदी का किया दिया था गिफ्ट में, और उस समय मैंने नहीं देखा था, मैंने बाहर से देखा था तो मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये दिया और सबको भी कुछ कुछ उन्होंने नेक टाइप का दिया था। अब जब सब कुछ हमने कर लिया ना तो हम हाथ में अपने इलायची दाना लेते हैं कि हम 11 बार करेंगे या 21 बार करेंगे, तो मैं 21 बार यहाँ पे फेरा कर रही हूँ, तो 21 मैंने दाना अपने हाथ में इसके बाद मैंने लिया था, उसके बाद मैंने फेरा किया था। अब मैं जा रही हूँ अपने पति का पूजा करने, एक्चुअली अपने बर का पूजा करने, वो तैयार हो रही है देखिए।
हम पूजा करने के बाद ना बर के पेड़ के पत्ते को अपने बालों में लगाते हैं, वो दिखा नहीं पाई बट मैं आपको ज़रूर दिखा। गाइज ये मेरे पति देव है, ये देखिए, और अब मैं इनकी पूजा करने जा रही हूँ। मेरे बर और मैं अपने बर का पूजा करने जा रही हूँ। सो आप लोग देखो कि हम झारखंड में भाई कैसे साल भर में एक बार पूजा करती है और सबको बता के कर रही है, वो भी बढ़िया बात है। सो गाइज मैं यहाँ पे इन्हें चना और आम खिला रही हूँ। इन्हें बहुत ख़राब लग रहा था पर मैंने बोला कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये बोलते सरेआम कर रही है मुझे, ये थोड़ा सा आम स्टाइल में खा रहे हैं, अभी ऐसे तो आम पूरा खा जाएंगे। अब ये है मेरा पंखा जिसे मैंने पूजा किया था अपने बर के पेड़ का, और अपने बर का मैं इस तरह से मैं कर रही हूँ अपने पति का सेवा। पंखा आक रही हूँ, मैं दासी हूँ इनकी प्रिय प्यारी। और अब मैं इनके चरणों को छूने जा रही हूँ। मेरे पति मेरे परमेश्वर है, ये परमेश्वर जी, ये मेरे परमेश्वर को मैं आशीर्वाद दे दे रही हूँ। अच्छा सा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद में कंजूसी कर रहे पति देव, अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। नोट चाहिए आशीर्वाद। समझते समझदार पति है मेरे ये। सो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझसे कनेक्टेड रहो, हमसे कनेक्टेड रहने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे पति देव बताएंगे, क्या करना पति देव जल्दी बताइए। लाइक फॉलो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बहुत सारे मेकअप वीडियोस भी देखते रहिएगा। वही वही जो ये बोल रही है ना भाई। हां वही वही वाला जो मैं बोल रही हूं। ओके बाय, आप लोग भी खुश रहिए और कोरोना में अगेन प्लीज सेफ्टी लेते रहिए। बाय।